दोस्तों, आप सभी लोग हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे बीमारियों के जिसके रिलेटेड बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं और जिसका कोई इलाज भी नहीं करवा पाता है, और ये इलाज काफ़ी महंगा भी पड़ जाता है, लेकिन इससे बहुत सारे लोग परेशान होकर बहुत उल्टे सीधे कदम भी उठा लेते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे रीजन हो जाते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी उन लोगों को लग जाती है। तो इसमें होता क्या है कि अगर इस स्थिति में उन लोगों को होता है तो ये बीमारी जो इसको लगती है तो इसका रिजल्ट बहुत कम आता है। अगर आपका मामला दोनों एक साथ में वीक हुआ, जैसे सेक्स की टाइमिंग वीक हुई है और लिंग का प्रॉब्लम हुआ, तो ऐसे में जो ऐसे जो केस बनते हैं इसमें बहुत टाइम लग जाता है केस को रिन्यू करने के लिए और इस बीमारी को सॉल्व करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन फिर भी इसमें 50% लोगों का सुनने में आया है कि ये दोनों प्रॉब्लम एक साथ ठीक हुआ, नहीं तो फिर नहीं ठीक हुआ है। और तरह तरह के जगहों पर लोग भटक चुके हैं और बहुत सारे हकीमों वैद्यों के चक्कर में घूम चुके हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि क्या ये बीमारी अभी नई है कि इससे पहले बीमारी थी। तो ये बीमारी जो है ये पहले भी थी और आज भी है, और उस टाइम पे भी इसका इलाज था और आज भी इलाज है। बस इसमें क्या होता है कि किसी को उसका ट्रीटमेंट करने का तरीका नहीं मालूम है, या किसी को उस मेडिसिन के बारे में नॉलेज नहीं है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसको किस तरह से ठीक किया जाए उनको ये पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है। तो होता क्या था दोस्तों कि जिस किसी का भी सेक्स डाउन होता था और लिंग का प्रॉब्लम होता था, ये दोनों चीज़ जिसको प्रॉब्लम होती थी आज के कुछ दिन पहले, तो उस टाइम पे भी इसका इलाज था और आज भी इलाज है। उस टाइम पे इसको टोटका करके कराते थे, जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उस दरमियान जब उस टाइम पे जिस तरह से इसका इलाज किया जाता था, शायद आप उस तरह के से इलाज अपने इस टाइम पे इस समय पे आप शायद ना कर सके, क्योंकि उस टाइम का जो टोटका था तो एक तेल रहता था और तेल को खोलाया जाता था और तेल में कपड़े टाइप की पूड़ी रहती थी जिसको अंदर भिगाया जाता था और तेल हल्का गर्म रहता था, फिर उसी तेल से उसकी सिकाई की जाती थी, उसी तेल से सिकाई किया जाता था। तो वो जो है रेगुलर करना रहता था, नहीं ये सुबह भी करो शाम भी करो, यानी दोनों टाइम आप तेल गर्म करो, फिर तुम कपड़ा के इंतजाम करो, उसके अंदर वो मेडिसिन रखी जाती थी, उसको गर्माया जाता था, फिर वो मेडिसिन के जो तेल निकलते थे उसी तेल से लिंग की सिकाई की जाती थी, उसी तेल से मसाज किया जाता था। तो वो जो टोटका था वो बहुत ही भारी है इस टाइम के लिए और इस युग के लिए, मतलब इस टाइम पे बहुत से लोग उसको नहीं कर सकते। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि यदि अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स हुई है, जिसका बहुत से लोग होते हैं जिनका लिंग का तो प्रॉब्लम हो जाता है, अंडा टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ अंदर घुस जाता है, 1 इंच आधा इंच 1.5 इंच जो भी बच्चा, लेकिन इसके साथ साथ उनकी जो सेक्स एक्टिविटी होती है वो भी कम हो जाती है, जैसे सेक्स करने का मन नहीं कर रहा है, या एक बार सेक्स कर ले तो महीनों मूड नहीं बन रहा है, यानी बहुत सारे ऐसे सेक्स को लेकर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसको किस तरह से ठीक किया जाए और इसको किस तरह से समाप्त किया जाए और किस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रिन्यू किया जाए, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे और उसी मेडिसिन के बारे में आज हम लोग को बताएंगे। क्योंकि अगर इसके बारे में मैं आप लोगों को नुस्खा बताता हूँ तो नुस्खा शायद आप लोग बना पाए ना बना पाए, तो उसके लिए हम आप लोगों के लिए रेडीमेड मेडिसिन लेके आए जो आप 100% कहीं से भी परचेस करके और जिसको भी ये प्रॉब्लम्स है वो आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो इस बीमारी वालों को 3 मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी और ये जो कोर्स है सिर्फ 7 दिन का है, 7 दिन से ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर जिस मेडिसिन के जरिए अगर किसी को रिजल्ट नहीं आता है तो वो 7 या 8 7 दिन का कोर्स करे और 7 दिन के बाद गैप छोड़ दे, गैप डालने के बाद भी फिर 7 दिन के बाद कर सकता है। तो जिसको पहले स्टेप में रिजल्ट नहीं आया है तो शायद उसको दूसरे स्टेप में रिजल्ट आ जाए, लेकिन ये जो टोटका है 100% कामयाब है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और इसको जिसने भी किया है और हम लोगों ने जिस भी लोगों को कराया है उसको 100% रिजल्ट आया, चाहे उनका मामला एकदम अंदर चला गया हो या इतना बड़ा हो या 1 इंच हो या 2 इंच हो, चाहे वो टेढ़ा हो या पतला हो कुछ भी हो, लेकिन ये टोटका जिसके ऊपर हम लोगों ने कराया है उसका अच्छा खासा रिजल्ट आया है। तो वही टोटका आज आप हम लोगों के सामने फेस करना है। ये 3 मेडिसिन आपको परचेस करनी होगी। सबसे पहले आपको परचेस करना होगा सवाबे आजम आपको परचेस करना है। दूसरा आइटम आपको लेना है दवाई टकोर, ये हमदर्द कंपनी का आता है दवाई टकोर, ये भी आपको परचेस करना है, और सवाबे आजम आपको लेना है हैरिस कंपनी का, और तीसरा आइटम है जो आपको लेना है तिल का तेल, ये तो सभी लोग जानते हैं और कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसको किस तरह से यूज करना है, क्या करना है। तो हम पहले आपको बता देते हैं तिल तेल के और इसके फायदे की, मतलब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ कि क्या कैसे बनाना है। तो आपको तिल के तेल को 100 ग्राम लेना है और 100 ग्राम किसी स्टील के बर्तन में या माटी के हंडी में इसको पलटी कर देना है, यानी इसको उसी में डाल देना है, और उसी के अंदर ये जो पाउडर है आपका, ये पाउडर भी इसी तिल के तेल में मिला देना है। यानी 100 ग्राम आपको ये माटी के हंडी में, बेहतर ये होगा कि आप मिट्टी के हंडी में ये चीज को करें तो बेहतर होगा और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। मैं तो बोलता हूँ कि स्टील बर्तन, तांबा, पीतल ये सब छोड़ दो, अगर आपके घर में मिट्टी का बर्तन है तो उसमें ये 100 ग्राम, ये 100 ग्राम का जो तेल है तिल का तेल, उसके अंदर पलटी कर दो, और उसी के अंदर पलटी करने के बाद में आप ये दवाई टकोर
हमदर्द कंपनी का दवाई टकोर, ये भी उसी के अंदर डाल के मिला के और उसको खूब पकाओ। जब वो एकदम पक जाए, जब उसके अंदर से व्हाइट व्हाइट धुआं निकलने लगे, तब उसको बंद कर दो। और बंद करने के बाद में जब ये दोनों आप डाल को पकाओगे, जब इसके अंदर से व्हाइट व्हाइट धुआं निकलने लगे, यानी तुम्हें ऐसा लगे कि अब जड़ी बूटी जल रही है, तो उस टाइम उसको उतार लो। उतारने के बाद में उसको छान लो। अब उसको छानने के बाद में आप वापस से इसी सीसी में भर लो, या आपके पास कोई भी सीसी हो, क्योंकि वो छानने के बाद में आपको मुश्किल से 25 या 30 ग्राम तेल निकलेगा, उससे ज्यादा नहीं निकलेगा। तो आप वापस से इसी सीसी में भर सकते हो। भरने के बाद इसको क्या काम करना है कि आपको सुबह और शाम इसको लिंग के ऊपर 2 से 3 बूंद डाल के हल्के हल्के हाथ से मालिश करना है, जिसका अंदर घुसा है बाहर को खींच के करके। इससे क्या होगा, सबसे बड़ी बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि इससे क्या होगा। इससे ये होगा कि आपकी जितनी भी नसें दबी हैं वो खुल जाएंगी, और आपके अंदर जितनी भी एक्टिविटी रुकी हुई है वो चालू हो जाएगी। इस दरमियान आपको ये तेल लगाना है, और इसी दरमियान आपको ये मेडिसिन परचेस करना है, जो आपको सवाबे आजम, ये आपको सुबह शाम एक एक चम्मच दूध से खाना है। जो इसके अंदर चम्मच निकलता है, कुछ छोटे टाइप का चम्मच आता है, तो उसी चम्मच से सुबह शाम एक एक चम्मच दूध से खाना है। और जो आपने तेल को पकाया है, उतारा है और निकाला है, उसी तेल को आपको सुबह शाम लगाना है। ये आपको सिर्फ 7 दिन करना है, और 7 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपको 8वें दिन करने की जरूरत नहीं है। जिन भाइयों को 7 दिन के अंदर रिजल्ट ना आए, तो हाँ, वो 7वें दिन का गैप कर दें और अगले फिर 7वें दिन से चालू कर दें। तो ये आप एक हफ्ते का गैप करके दूसरे हफ्ते में वापस से कर सकते हो। तो जिसका कम आया होगा वो एक हफ्ता गैप करके अगले हफ्ते में कर सकता है। तो इससे जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स है, या अंदर से कुछ खून का फोर्स रुका हुआ, या आपके लिंग के अंदर खून का प्रवाह तेज से नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपका ये जो सवाबे आजम है, ये आपके खून के फोर्स को बहुत तेज करेगा और उत्तेजित करेगा। और जो आपके लिंग के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, जो नसों में ब्लॉकेज हुई है, या यहाँ पे गुदूद बना हुआ है, या कुछ चर्बी की गांठ पड़ी हुई है, तो उसको फोर्स करके गलाएगा, निकाल देगा, तो आपका जो प्रॉब्लम्स है वो वापस से रिन्यू हो जाएगा। और ऊपरी परत से जो भी आपकी नसें मरी हुई हैं, मार खाई हुई हैं, जो आपने गलत हाथ का इस्तेमाल किया है, उल्टे सीधा काम ज़्यादा किए हैं, तो उससे जो नसें दब गई हैं वो भी बाहर आ जाएंगी। और उसके चलते आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे अंदर चला गया है, या टेढ़ा है, या पतला है, या खड़ा होने पे 5-6 इंच है, सुगड़ने पे 1 इंच, यानी ये भी प्रॉब्लम्स है आपके, ये भी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका जो प्रॉब्लम्स था उसके बारे में नुस्खा हो गया। तो उसके ऊपर भी अभी कमेंट ले लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि क्या सर आप एक ही एक नुस्खा रेगुलर बताते हो कोई एक ऐसा, तो उनको मैं बोलना चाहूंगा कि दोस्तों क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैं कोई मेडिसिन बताता हूँ तो उनको मिल जाती है, इसके लिए मैं बार बार नुस्खा रिपीट करता रहता हूँ कि शायद वो ना उनको मिली हो तो ये शायद मिल जाए। इसके लिए मैं बार बार एक ही टॉपिक पे वीडियो दूसरे तीसरे बार डालता रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट रहते हैं। अब बात कर लेते हैं आपको कि बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, बहुत सारे लोगों के SMS आते हैं कि सर, बहुत सारे लोगों के सर आप फोन नहीं उठा रहे हो, ये नहीं उठा रहे हो, या ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैं आपको अगले वीडियो में एक नंबर दे दूंगा, और उसी नंबर से आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो मैं पहले नंबर दिया था वो नंबर बहुत ही वो हो गया है, और उस पर फोन उठाना या बात करना है, मैसेज करना नहीं हो पा रहा है। तो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में आप लोगों को एक नंबर दे दूंगा, और उस नंबर के साथ साथ आपको टाइमिंग दे दूंगा कि आप कितने बजे से कितने बजे तक आप हमें फोन कर सकते हैं, और कितने बजे से कितने बजे तक आप व्हाट्सअप चैट कर सकते हैं, यानी पूरा बायोडाटा आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, जिसके जरिए से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और डायरेक्टली जो भी आपका समाधान है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और उसके बारे में सजेस्ट कर सकते हैं कि इसके बारे में क्या है, इसके बारे में क्या है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल में पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।